द एंगल में आपका स्वागत है। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि भाजपा इन चुनावों में कांग्रेस की हार का दावा कर रही है, वहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस को सचिन पायलट की नजरअंदाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। प्रदेश में हुए इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। सियासी पंडितों का कहना है कि सचिन पायलट की अनदेखी का जो दावा किया जा रहा है, वह महज अशोक गहलोत विरोधी खेमे का सोचा समझा प्लान है। दरअसल सच्चाई ये है कि इन चुनावों में सबसे बड़ी हार खुद सचिन पायलट की हुई है। टोंक पंचायत समिति में कांग्रेस बुरी तरह से हारी है, वहीं अजमेर जो सचिन पायलट का संसदीय क्षेत्र रह चुका है और उन्हीं के खेमे के विधायक राकेश पारिक का गृह जिला भी है, वहां भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि इन चुनावों में सचिन पायलट पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और इसका पूरा ठीकरा अशोक गहलोत खेमे पर फोड़ा जा रहा है।